अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मच्छी का खट्टा सालन। मैं पहले इसमें बकोने में ऑयल डाल ली हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ऑनियन, अदरक लहसुन, करियापाक और हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 2 बड़े ऑनियंस, ऑनियन हमारे अच्छे लाइट ब्राउन हुए बाद हम इसमें टमाटोस ऐड करेंगे। अभी से टमाटर डालने से प्याज नहीं गलती। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फुल नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज हमारी जल्दी लाइट ब्राउन होती है और सॉफ्ट हो जाती है। हम ऐसा लाइट ब्राउन हुए तक हम ऑनियंस को ऐसा हिलाते रहेंगे, नहीं तो ऑनियंस जल जाते। अब हमारे ऑनियंस लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 6 टमाटे और इसी के साथ मैं डालूंगी हल्दी 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर ढक के रख देना। थोड़ी देर ऐसे ही ढाप के रखने से इसमें से ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे टमाटर भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फिश। ये रही फिश, इसे थोड़ी देर हम ये टमाटरों के साथ अच्छा मिक्स करके थोड़ी देर ढाप के रख के इसके बाद खट्टा डालेंगे। अब हम इसमें खट्टा डालेंगे। मैं 1 लेमन साइज के उत्ता इमली डाली थी और इसे भिगा के रख दे थी। अब इसका जूस डालेंगे इमली का। अब हम खट्टा डाल चुके हैं। इसमें खट्टा डाले बाद अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे। हमारा खट्टे का रॉ स्मेल गए तक। अब हमारे मच्छी के खट्टे की रेसिपी खत्म हो चुकी है। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे कोरिएंडर के साथ। अब मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके बता दूं। अब हमारी मच्छी की रेसिपी कम्प्लीट हो चुकी है। इसे आप खा सकते हैं चावल के साथ। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।